पंजाब दे खजाना मंत्री मनप्रीत बादल खिलाफ लग रहे नारे तस्वीरां पिंड बादल दीआं ने। पिछले तीन दिनों तो मनप्रीत बादल दे घर नेड़े प्रदर्शन कर रहे इन्हां किसानां ने कदम अगे वधा ले ने। बैरीगेड तोड़ के किसानां ने मनप्रीत बादल दी रिहायश घेर ली है। मनप्रीत बादल दे घर अगे किसानां ने मोर्चा लगा दिता है। पिछले तीन दिनों तो किसान इंतजार कर रहे थे कि सरकार उन्हां दी गल सुनेगी, पर जदों सरकार ने नहीं सुनी तां किसानां ने घेर लिया वित्त मंत्री दे घर दा दरवाजा। किसानों ने साफ कर दिया जेकर अजे भी गल ना सुनी गई तो होर वड्डा फैसला लिया जाएगा। देखो असी 5 तरीक का ऐलान किया हुआ सी, पहला 5 तरीक नूं असी कोठी दे नेड़े आए हैं। असी जिथे सानू रोक लिया बार दे नेड़े असी रुके हैं। दो दिन हो गए साडी किसी ने जो बात नहीं पुछी, असी अगे वधण दा फैसला किया। अज असी बिल्कुल मनप्रीत गेट घेर चुके हैं। इस तों बाद साडा अगला यह होगा जे साडी नहीं सुणीदी फिर असी बिल्कुल मुकम्मल बंद करांगे। उन्हां दा सफाई सेवक भी नहीं अंदर जाण देना, बाकी गल्लां तां छड्डो। जिहड़ा बाहर रहूगा अंदर रहूगा अंदर रहूगा जे साडी गल नहीं सुणदे इस गल ते, क्योंकि किसान दा इदों बुरा हाल की होजू जिहदी पुत्तां वांगू पाली हुई फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। सरकार गल सुणन नूं तैयार नहीं, चंगी चाहुंदी आ सरकार जे जिहड़ा खास करके मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी हुण जिहड़ा कहिंदा मैं आम मुख्यमंत्री हां, आम लोकां दा मुख्यमंत्री हां, फिर आम लोकां दा दर्द सुणे। आया पिछले दिन ही नरमा वेख के गया, मन्निया भी नरमा तबाह हो गया, पर मन्नण दे नाल ही वह मरे दे मूँह नूं घौ लाउण वाली गल आ। कहिंदा भी मैं दवाई होर दे दूं, हुण दवाई दूई दा कोई फायदा नहीं। किसानों वालों खजाना मंत्री की रिहायश को घेरा पाने की असल वजह नरमे नूं पई गुलाबी सुंडी है। बठिंडा ते मुक्तसर जिले के कई अजिहे किसान ने जिन्हां दी नरमे की फसल गुलाबी सुंडी करके तबाह हो गई है। मुआवजे वाली मलम का भरोसा जरूर मिलिया सी, पर अजे तक लाउण लई कोई नहीं आया। इसलिए किसान ही मंत्री साहब के दरवाजे ते आण डटे ने। सरकार तो दुखी किसानों ने मुख्यमंत्री अगे मंगा भी रखिया। चन्नी साहब नूं बेनती करदे आ वी 60,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों मिले, 30,000 रुपया प्रति परिवार जिन्हां मजदूरों का चुगाई का उजाड़ा हो गया उन्हां नूं मिले, तो जिन्हां ने नकली बीज नकली कीड़े मार दवाइया ये फराड किया बेचे न, इन्हां दे नाल जो मिली भुगता चाहे वह अधिकारी है चाहे मंत्री न, उन्हां दी पड़ताल करवा के पूरी उन्हां ते बनदी कार्रवाई होवे। इन्हां मंगां नूं लै के असीं आए हैं। इस गल करके जदों तक ये साडियां मंगां पूरियां नहीं हुंदियां साडा घोल चलता रहना है। देखो पड़ावाज पड़ा चलना घोल, ये एड्डी छेती सानू पता मुकलन वाला घोल नहीं, लम्मा घोल है। सरकार जिवें पंजाबी दी कहावत आ वी छित्रां दी मारी नौ मण झड़दी है, साडा जदों भी कोई ताकत माड़ी जी बनदी आ उदों आ के गल सुणदे आ। तिन दिनां दे कोई बैठे नहीं, जदों इत्थों ऐलान करता भी असीं 2 बजे वधांगे गाह, फिर अफसर भज्जे आए भी हुण गल सुणो, असीं कहिंदे हुण काहदी गल सुणी, हुण अगले पड़ा ते जा के सुटांगे। अगला पड़ा इदों अगला पड़ा साडा इह हैगा वी मुकम्मल तौर ते वित्त मंत्री दा घराओ करांगे, इत्थे चिड़ी नहीं फड़कण देनी। इस करके वो आपदी तैयारी कर लैण, इन्हां नूं दो कुछ करने पैणे आ ते जो जिहड़ा मर्जी कर लैण, चाहे तां किसानां दे रोह दा सामना करन वास्ते जिहदे विच कांग्रेस दा खात्मा होणा है। 26 सितंबर नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद किसानां कोल पहुंचे सन, खेतां विच नरमे नूं देख के आए सन। इस बार नरमे पट्टी दे किसानां नूं गुलाबी सुंडी करके वड्डा घाटा पिया अते किसानां दा दावा है कि नतीजा यह होया कि कई किसान खुदकुशी वाले डरावणे राह ते तुरे ने, पर फसली विभिन्नता दा दम भरन वालियां सरकारां औखे वेले किसानां दी बात भी नहीं पुछना जरूरी समझदियां।